फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम है रेणु शर्मा और ये है मेरी प्यारी सी बेटी समृद्धि, और आज हम दोनों मिलकर आपको दिखाएंगे कि हम अपना शाही पनीर कैसे बनाते हैं। वैसे तो सभी अपना खाना, अपनी कुकिंग किसी ना किसी ट्रिक से कंप्लीट करते हैं, सबके अपने कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं और सभी बहुत बेहतरीन बनाते हैं। बट चलिए आज देखते हैं कि मैं अपना शाही पनीर कैसे प्रिपेयर करती हूँ, तो आइए लेट्स स्टार्ट। गैस को ऑन करते हैं, लिड रिमूव करते हैं। मैंने इसको अभी वॉश किया था तो ये थोड़ा सा गीला है, कोई बात नहीं, इसे नॉर्मल होने का वेट करते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ कि मैंने इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या यूज़ किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, उसके साथ ये मैंने हींग जीरा रखा है, इसमें मैंने हींग बेस्ट क्वालिटी की और उसके साथ जीरा लिया है। उसके बाद ये कुछ स्पाइसेस हैं, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। इसके बाद इसमें हम थोड़ा कैश्यू यूज़ करेंगे, ये मेरा चाट मसाला और गरम मसाला है। मैंने पनीर स्लाइसेस को इस स्टाइल से कट किया है, आप चाहें तो इसे क्यूब भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कर्ड के साथ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम निकाली है, ये घर की फ्रेश क्रीम है, मैं मार्केट से यूज़ नहीं करती हूँ, और इसमें मुझे लगेगा थोड़ा सा केचप, तो मैं उसे भी यूज़ कर रही हूँ। हीट ले चुका है, पानी सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड ऑन करूँगी। जब भी मैं कुछ स्पेशल ट्राई करती हूँ तो मैं घर का थोड़ा सा देसी घी भी यूज़ करती हूँ। नाउ हमारा जो हीट है, जो कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट हीट ले चुका है, हमारा घी और ऑयल जो है दोनों गर्म हो गए हैं। सो हम अब इसमें सबसे पहले हींग जीरा जो हमने मिक्स किया हुआ है डाल देंगे। अनियन मैंने रफली चॉप किया था क्योंकि अभी हमारी जो ये रेसिपी है थोड़ी डिफरेंट है, तो हम इसमें रफली चॉप्ड अनियन को डालेंगे, हीट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैं हाई फ्लेम पे बना रही हूँ फिलहाल। अनियन को हमें हाफ बॉईल करना है, तो पहले मास्टर बन जाओ। ये देखिए हमारा अनियन जितना हमें इसे कलर देना था उतना इसके ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस, इसमें मैंने सॉल्ट और बाकी सारे मसाले जो हैं वो मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। मैंने हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर लिया था, नमक स्वाद अनुसार, और मिर्च भी मैंने हाफ स्पून लिया था, मेरा स्पून छोटा वाला है, तो आप अपनी स्पाइसेस को अपने अकॉर्डिंग डालिएगा अगर आप ज़्यादा मिर्च अवॉइड करते हैं। यहाँ पर मैं अब ऐड कर रही हूँ टमाटो, ये भी मैंने रफली चॉप किए थे क्योंकि मुझे इसे बाद में ब्लेंड करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शार्प मैंने कटिंग नहीं की थी। अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं कि अब हमारी सब्जी का क्या हाल है। ओके, इसको हमें थोड़ा सा स्टर करना है,
हम देख रहे हैं ना कि हमारी सब्जी जो है वो हाफ हाफ गल चुकी है, भून चुकी है। तो अब हम इसमें अपने कैश्यूज को ऐड कर देंगे। हमने जो कैश्यूज यूज किए हैं उसका बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ। कैश्यूज यहाँ पर हमने जो डाले हैं उसकी वजह से हमारी जो शाही पनीर की ग्रेवी है उसमें थिकनेस आएगी, सॉफ्टनेस आएगी और एक रिच लुक और रिच टेस्ट हमारी ग्रेवी को मिलेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पर कैश्यूज ऐड किए हैं। इसको बहुत ज्यादा स्टीम पर रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने अपनी जो स्टीम है उसको ऑफ कर दिया है। अब हम इसके ठंडा होने का वेट करेंगे क्योंकि हमको ये ब्लेंड करना है, हमको इसको एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट करना है। सो वेट फॉर दैट टाइम, जब तक ये कोल हो जाए। हमारी सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको डाल लिया है मिक्सर में। अब मैं इसको ब्लेंड करने जा रही हूँ। देखिए हमारा जो ये मिक्सचर है, ग्रेवी है हमारी, ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। अब हम इसको गैस को ऑन कर लेंगे और वापस उसको उसी कढ़ाई में, ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो गई है और हमने इसको वापस से अपनी उसी कढ़ाई में डाल दिया है। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अब कर्ड और हमारा क्रीम का मिक्सचर। हमें थोड़ा सा अच्छा सा कुक करना है। ये हमारा जो दही और मलाई था ये हमें अच्छे से मिक्स करना है अपनी ग्रेवी में। अब देख रहे हैं कि बॉईल आ रहा है हमारी, हम इसको थोड़ा सा मंदा कर देंगे, मीडियम पर हीट पर रखेंगे क्योंकि ये उछल भी सकता है और ये लग भी सकता है। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी काफी थिक है तो मैं इसमें अपने जार को क्लीन करके इसमें ये पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं डाला है मैंने क्योंकि ग्रेवी शुड बी थिक लाइक दिस। थोड़ा हीट बढ़ा रही हूँ, हाई फ्लेम पर है ये। इसमें बॉल आने वाला है तो बॉईल आने के साथ साथ मैं इसमें चाट मसाला और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको स्टर करके मैं इसमें इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम कर रही हूँ साथ में, और अब इसमें इसकी स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ इसमें। ये लगभग 1 स्पून होगा बड़ा, लेकिन इतना बड़ा स्पून नहीं। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें अपने पनीर क्यूब्स को ऐड करेंगे, सॉरी ट्राइंगल्स को, क्यूब साइज में नहीं, हमने ट्राइंगल्स में काटा है। पनीर डालने के बाद हम अभी इसको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, अदरवाइज हमारा पनीर टूट जाएगा। हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
चलिए अब देखते हैं हमारी सब्जी, हमारी ग्रेवी, हमारी शाही पनीर का लुक। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये देखिए। आप चाहें तो इसे थोड़ा और लिक्विड कर सकते हैं, बट ये मुझे ऐसे ही पसंद है। तो जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इट इज फिनिश्ड नाउ, यू ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस एट होम एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा, क्या सजेशन है आपका इसके लिए। मैं वेट करूंगी आपकी कमेंट्स का।